महाराष्ट्र में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार की रात 8 बजे से अगले 15 दिनों तक धारा 144 लागू करने का फैसला किया है। आइए देखते हैं इस धारा 144 में और आंशिक लॉकडाउन में क्या क्या चालू रहेगा और क्या क्या बंद। पहले नजर डालते हैं क्या क्या बंद रहेगा। पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, निजी कोचिंग क्लासेस, नाई की दुकान, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर कल से 1 मई को सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा पाएंगे। गैर जरूरी सेवाएं वाले दफ्तरों को बंद करना होगा। बिना काम की आवाजाही नहीं कर पाएंगे। सभी सार्वजनिक स्थल, प्रतिष्ठान और गतिविधियां बंद रहेंगी। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभा पर प्रतिबंध। क्या क्या खुला रहेगा। महाराष्ट्र में लोकल और बसें बंद नहीं होंगी। बैंकों में कामकाज पूर्ववत जारी रहेगा। ट्रांसपोर्ट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। ई कॉमर्स सेवा और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट में सिर्फ खाना मंगाया जा सकेगा। मीडिया कर्मी के लिए इजाजत होगी। शिव भोजन थाली मुफ्त में देंगे।